नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा फैशन टेलर में। दोस्तों आज मैं आपको लॉन्ग गाउन की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 2.5 मीटर कपड़े का यूज किया है। यहाँ मैंने कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड किया है और चौड़ाई में इसे 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। ये देखिए, अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई हमारी 48 इंच तैयार है, इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। ये हमारा टोटल 51 है। सबसे पहले हम इसमें तीरा लेंगे। तीरा है हमारा 12 इंच, तीरे का आधा। अब हम शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर्स का नाप हमारा वैसे ही है, चेस्ट जितनी कम होगी शोल्डर्स में हमारा आधा इंच प्लस करके हम लगाएंगे निशान, और अगर ज्यादा होगी तो आधा इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। तो चेस्ट ज्यादा है तो आधा इंच कम करके लगाते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 5.5 इंच। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट यहाँ पर 39 है, 39 का चौथा प्लस में 2 इंच, 39 का चौथा हमारा होगा 10.25। एक निशान हम 10.25 पे लगाएंगे प्लस में 2 इंच, ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम कमर की लंबाई ले लेते हैं। ये हमने 15 इंच की कमर की लंबाई ली है। कमर 35 है, 35 का चौथा करेंगे हम 8.5। प्लस में 2 इंच। अब हमें हिप का निशान नहीं लगाना। हिप का निशान हम यहां से, ये हमारा ए लाइन का बनेगा, इसमें हम पूरी लंबाई ऐड करें। यहाँ हम कमर का निशान लगा, कमर से लेके नीचे का जो घेरा है पूरा लंबा निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने कमर से लेके नीचे का निशान मिला दिया। अब हम चेस्ट का निशान कमर से मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमारा फिटिंग का निशान है। ये हमारी इस तरीके से सिलाई जाएगी। ये हमारा पूरा फिटिंग का निशान लग गया। अब हम इसमें गोलाई लगाएंगे। ये 1.5 इंच की गोलाई हम पीछे के पार्ट के लिए लगा रहे हैं। और इसी में हम 1 इंच की गोलाई लगाएंगे आगे के पार्ट के लिए। ये हमने ड्राफ्ट लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये आगे वाली बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ये पल्ला अलग करके ये वाली कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ से हमने इसे शेप देने के लिए 3 इंच की गोलाई का निशान लगाया। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारी गाउन की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हम यहाँ फ्रेल वाली स्लीव्स बना रहे हैं। स्लीव्स की लंबाई हमारी 15 इंच तैयार है। तो पहले हम सिंपल की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने 9.5 इंच की सिंपल स्लीव्स ले ली। यहाँ से हम 17 इंच हमारा शोल्डर है, 8.5 प्लस में 2 इंच करेंगे, 10.5 ये हो गया। ये 2.5 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे, 2.5 इंच यहाँ से लगाएंगे। और 3.5 इंच का निशान लगा के इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। बॉटम हमारी 12 इंच 6 प्लस में 2 इंच मार्जिन के लिए इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसके आगे की गोलाई लगाएंगे। ये पूरी लंबाई नाप के इसका हमें आधा करना है। 11 इंच 11 में आधा करके 5.5 इंच का और 1/2 इंच की गोलाई हमें ऐसे लगानी है। ये 9 इंच तो हमारी ऐसे हो गई। अब हम इसमें 6 इंच की फ्रेल और लगाएंगे तो ये हमारी 15 इंच तैयार आ जाएगी। फ्रेल की कटिंग करते हैं। ये हम फ्रेल की कटिंग कर रहे हैं। यहां से हमें 6 इंच की लंबाई लेनी है। 6.5 ले लेंगे, 1/2 इंच सिलाई के लिए। ये हमने दोनों बाजू के स्लीव फ्रेल कट कर लिए। ये हमारे इस तरीके से लगेगी। ये हमारी तैयार इस तरीके से लग जाएगी। 15 इंच हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैक का गला बनाएंगे। बैक गले की लंबाई हमारी 7.5 तैयार है। जितनी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके रखना है, यानी 8.5। यहां से हम 2.2 लेंगे। ये 2.5 इंच का निशान लगा के इस तरीके से मिला देंगे। अब इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारा पीछे का गला तैयार हो गया। ये कपड़े पे हमने गले को रख के यहाँ हमने 4.5 इंच का निशान लगाना है। ये चौड़ाई हमारी 4.5 इंच की होनी चाहिए। अब हम इस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
अब हमने इस कपड़े को कोने से कट कर लिया है, अब इसे हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। अब हम इस पार्ट पे पीछे के गले को लगाएंगे। ये दोनों कट को कट से मिलाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि गला जो हमारा सेंटर में रहे। अब हमने बीच में सिलाई लगा दी, अब हम इसकी किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी गले में सिलाई लग गई, अब हम इसको कट कर लेंगे बीच में से। ये हमने बीच में से कट कर लिया, अब हम इसमें छोटे से कट लगा के इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे। अब इसे इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई मार देंगे। यह हमारा पीछे का गला बन गया। अब हम आगे का गला तैयार करेंगे। अब हम आगे का गला कट कर रहे हैं। गले की लंबाई हमारी तैयार 6.5 है, 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 7.5। नीचे से वही 2.5 इंच की चौड़ाई, ऊपर से 2.2 इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहां से इसे गोलाई दे देंगे। यह हमारा तैयार गला है और उसके बाद ये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं डिजाइन के लिए। ये 6.5 इंच हमारा नीचे की पट्टी रहेगी, इसमें हम बटन लगाएंगे। ये गला कट गया हमारा, अब हम इसे कपड़े पे तैयार करेंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसके किनारे किनारे सिलाई लगा ली और ये सब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके रख दिया। अब हम इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये यहाँ से हमने कट इसलिए लगाया ताकि ये आराम से फोल्ड हो जाए और इसकी शेप जैसी है वैसी रहे। हम ये गला हमारा तैयार हो गया। अब हमें इसे कपड़े पे सिलना है। ये गला हमें उल्टी तरफ से सीधे की साइड पर पलटना है ऐसे। अब हम इसे कट से कट को मिला लेंगे पहले और इसके ये हमने उल्टी साइड पे रख के अब हम इसके सेंटर पे सिलाई लगाएंगे पहले।
ये एक बारी इस तरीके से देख लें, जो बीचों बीच पॉइंट है इसे एकदम सेंटर पॉइंट पे रख के अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। अब हमने इसकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है, अब हम इसे कट करके अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये कट हमारे सिलाई से बाहर नहीं जाने चाहिए, वरना हमारा गला कट जाएगा इसमें। अब हमें ऐसे पलटना है इसे इस तरीके से सीधे की साइड को। ये गला हमने इसके ऊपर लगा लिया, अब हम इसकी किनारी पे पाइपिंग लगाएंगे और इस किनारी पे लेस लगाएंगे रेड कलर की। चलिए पहले हम इस पे पाइपिंग लगा देते हैं। ये मैंने और एक पट्टी काट ली है, इसे हम इस तरीके से रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने पाइपिंग की पट्टी तैयार कर ली, अब हम इसे गले पे लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमें ये हम सीधी तरफ से कपड़ा सीधी तरफ से रखेंगे कपड़ा इस तरीके से, और जितनी भी हमें बारीक पाइपिंग चाहिए उतनी किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। कपड़ा हमें सीधी तरफ रखना है और सिलाई उल्टी साइड से लगानी है। अभी हमने उल्टे गले की तरफ से ये सिलाई लगा ली है किनारे किनारे पर, अब हम इसे पलटेंगे। ये हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है। अब हम ये हमारी पाइपिंग लग गई है आगे आगे की साइड, अब हम इसके किनारे किनारे पर लेस लगाएंगे रेड कलर की। अब हम इसके किनारे किनारे पर लेस लगाएंगे। ये हमारा आगे का गला कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं, हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। ये हमने सीधा तरफ रखा है, ये आगे का पार्ट उल्टी साइड। इसको इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने दोनों तरफ से कंधे जोड़ लिए हैं, अब हम इसमें पीछे के गले में बैठी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें दोनों तरफ से दो दो इंच का मार्जिन लेके निशान लगा देना है। ऊपर चेस्ट का, ये कमर का, इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे। बाकी निशान हम नीचे से सीधा सीधा मिला देंगे।
ऐसे इसको भी नीचे। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों साइडों से। ये हमें इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे बिल्कुल प्लेन सीधे सीधे लगानी। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हमारी पूरी दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लग गई। अब हम इसका नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे। अब हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इसे अंदर करके 1 इंची का फोल्ड करेंगे इसे। ये हमारा घेरा फोल्ड हो गया। ये हमारा घेरा फोल्ड हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बाजू को इस तरीके से फोल्ड करेंगे नीचे का हिस्सा। इसके बाद इसमें फ्रिल लगाएंगे। ये किनारी वाला हिस्सा हमारा नीचे की साइड रहेगा। थोड़ा सा इतनी सिलाई हम सीधी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डालना शुरू करेंगे इस तरीके से। हमने इन दोनों स्लीव्स में फ्रिल लगा दिया। अब हम इनकी किनारे पे लेस लगाएंगे दोनों साइड। ये हमारी लेस लग गई है दोनों स्लीव्स में। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। ये आगे की साइड से हमें जितनी हमारी जितना भी हमें घेरा चाहिए उतना हम रख लेंगे। यहां से हम जितनी हमारी बॉटम है उतनी रखेंगे। ये हमारी 12 इंची है, इसे हम इस तरीके से सीधे मिला लेंगे। शोल्डर 17 इंच है तैयार। कुर्ते में हमारे को 8.5 रखना है और इसमें 8 इंची। स्लीव्स में 1/2 इंच कम रखते हैं और कुर्ते में 1/2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला दें। अब इसमें हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स में फिटिंग लग गई है। अब हम इसमें आगे की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कटिंग के लिए जितना भी हमारा ये है उसका हमें हाफ रखना है। ये हमारा 8 इंची है तो इसका 1/2 इंच करके 4 इंच पे करके उसे हल्की सी गुलाई देनी है ऐसे ऐसे ही इसमें। अब हम इसे कुर्ते पे लगाएंगे।
ये जो हमने 17.5 इंच के जो शोल्डर लिए थे वो हम नाप लेते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारे 17 इंच है बराबर। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। ये आगे की कटिंग वाला आगे की तरफ और पीछे वाला पीछे की तरफ, इस तरीके से ये इस जॉइंट पे ऐसे रख के यहां से इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और पीछे की साइड से ऐसे, और उसके बाद इसे अंदर को निकाल देंगे। ये हमारी एक स्लीव्स लग गई। अब हम दूसरी स्लीव लगा के दिखाएंगे। अब हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे। एक बार और देख लेते हैं हमें बाजू को किस तरह से लगाना है। ये सीधा साइड है, ये पीछे का है, ये आगे का हिस्सा है। इसे हम जॉइंट पे जॉइंट को बराबर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद इसे अंदर की तरफ को कर देंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स लग गई है। अब हम इसको कंप्लीट तैयार देखेंगे। ये हमारा ए लाइन गाउन तैयार हो गया है। मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।